महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की असीम कृपा से, महाकालेश्वर के परम आशीर्वाद से, मंदिर समिति दूसरा बड़ा निर्माण कार्य प्रगति पर है। समिति के माध्यम से ये दूसरा बड़ा कार्य है जिसमें समिति ने किसी भी प्रकार से कोई भी चंदा इकट्ठा नहीं किया है। शिव गोरख मंदिर समिति जितना भी धन लगा रही है वो अपने ही कर्म फल, वो अपने ही जो जीवन में छोटा मोटा अर्जित करने वाला होता है धन, वही लगा रही है। और वो लगाने वाली कौन है? जो कुछ है महायोगी की असीम कृपा से है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की असीम कृपा से है। शिव गोरख मंदिर समिति भी उन्हीं के आशीर्वाद से सुचारू रूप से चल रही है। मंदिर निर्माण लेंटर का कार्य है, लगभग 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट है ना? हाँ भाई, कोई दिक्कत थोड़ी चलने में? कितना स्क्वायर फीट है भाई ये? 1200 हैं? 1200 स्क्वायर फीट लेंटर। बोल लो पानी। हाँ ये पानी चल लेगा। तुम्हें नीचे आना पड़ेगा भाई फिर, या ऊपर ले आऊँ मैं चाय नाश्ता वगैरह जो है तुम लोगों का? हैं सुहास भाई, कुछ मत लाओ अभी, अब पूरा ही हो जाए है? पूरा हो यार, ठंडा हो जाएगा ना। नाश्ता कर लिया है। कहाँ पे? किसने कराया? आ गए? चलो सही है, बढ़िया। मैं यही तो सोच रहा मैंने यार, मैं यहाँ आ गया, समोसे वगैरह तैयार नहीं थे उस समय पर, समोसे चलो बढ़िया है। हैं? अरे काम होता है तो भूख तो लगती है यार। खाना खा लेते हैं हम घर। हाँ वही तो, यहाँ जब उठते हैं तो यहाँ भी खाना ढाल उधर को ये सब है। हाँ चलो बढ़िया। हाँ लगभग 12-1 बजे तक निपट जाएगा। 12 तो बज गया होंगे। हाँ हैं, एक बज गया, बज गया, 3 बजे तक निपटेंगे। बड़ा लेंटर है ना यार? बड़ा तो नहीं है, बड़ा ना है। सुबह लेट हो गया यार, ब्रेक ले लिया था इन्होंने बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो ब्रेकफास्ट चला था। तो सभी के लिए मंगाए ब्रेकफास्ट हो गया, शाम से मंगाए तो शाम का लिए। चलो आज की वीडियो में यहीं विराम करता हूँ, अगली बार महाजोगी कृपा से देखते हैं क्या होता है आज। जय श्री गोरख, जय श्री कल्की।